बिल्कुल ऋषि, आपका एफआर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी उपचुनाव चल रहे हैं, अभी हम मौजूद है झुंझुनू में, जहाँ पर अभी करबला मैदान में कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे थे। जानते हैं इस बार युवा किसके साथ है, इस बार किसको जिताकर भेजेंगे विधानसभा में। अभी उपचुनाव है और लगातार जो प्रतिनिधि है अपना दम लगा रहे हैं जीतने के लिए, तो इस बार युवाओं में किसका माहौल है। देखो, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी युवा हैं, हमने हमारा योद्धा राजेंद्र सिंह हुड्डा को चुना है, और हम जहाँ तक हमसे हो सके हम उन्हीं को वोट देंगे, और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी हमारी, हम उनको जितवा के लेके आएंगे। एक चीज़ देखी जाती है कि लगातार पिछली अपन दशकों से देखे हैं, सालों से, तो मुसलमान है, माइनॉरिटी है, वो उनका वोट बैंक माना जाता है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहती है। इस बार क्या वजह है कि राजेंद्र हुड्डा के साथ आप जा रहे हो। हम खुद कांग्रेसी हैं, हम खुद पक्के कांग्रेसी हैं, मैं बोलना चाहूँगा हम खुद पक्के कांग्रेसी हैं, लेकिन हमने हमारा इस बार इरादा चेंज किया है, उसके कुछ रीजन है, वो मैं ओपन में तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा जो अब की बार हमने नेता चुना है वो युवा नेता, मर्द नेता है, दबंग नेता है। पांच सालों में अगर हम विकास की बात करें तो विकास पर क्या कहेंगे आप? तो स्कूल कौन कहेंगे यार, दबंग क्यों है? पांच सालों में कोई विकास हुआ? हर जगह गुड्डा संख्या है हमारा, हर एक फोन पर आवा है हमारा। नाम? मेरा नाम अब्बास अली सैयद। तो इस बार क्या माहौल है झुंझुनू में, कौन सा मजबूत लग रहा है आपको? मजबूत क्या है कि यहाँ पर जो करने वाला गुड्डा ही है, जो कुछ करेगा वो गुड्डा ही करेगा, और हम लोग गुड्डा को ही वोट देंगे। सब पूरा काजीवाड़ा का पूरा एक्स वाई जेड आदमी इस करबला मैदान में खड़े होकर बोल रहे हैं कि सब गुड्डा को वोट देंगे। गुड्डा की तरफ समर्थन, जैसे पिछली बार अगर हम देखें तो लगातार यहाँ कांग्रेस जीतते रहे, ओला परिवार लगातार जीतता रहा, तो उनसे नाराजगी की वजह? नाराजगी की वजह है कि ओला परिवार कभी आके यही नहीं पूछता कि मौत या मैयत पे या किसी का केस या मुकदमा हो गया, आके देखता ही नहीं। वो पिछले पांच सालों में विकास हुआ? कुछ विकास नहीं करा, वो कुछ भी बने। हम लोगों ने एक जरा सी कंप्लेन दी कि हमारा आदमी पीपड़ी चौक में लफड़ा हो गया, लफड़ा होने के बाद में उसको फोन किया, फोन ही नहीं उठा रहा, कोई जवाब नहीं है। उसके बाद में गुड्डा ही जाके उधर पुलिस थाने के अंदर छुड़ा के लेकर आया उनको। क्या माहौल लग रहा है इस बार, कौन सा प्रत्याशी आपको मजबूत दिखाई दे रहा है? देखो, माहौल तो ये है जो समीकरण राजेंद्र हुड्डा का बता रहे हैं। तो पिछली बार आज से कुछ समय पहले भी कि भाई एक माइनॉरिटी का माहौल रहता है कि वो एक उन किसी प्रतिनिधि के साथ होते, पर कहीं ना कहीं उस प्रतिनिधि को पूरे वोट नहीं गिन पाते। देखो, जो पिछली बार जो हुआ ना, जैसे बबलू चौधरी और राजेंद्र भांबू जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके साथ पूरा समाज नहीं था, और राजेंद्र गुड्डा के समाज पूरा मुस्लिम समाज साथ है। तो इस नाराजगी की वजह? नाराजगी की वजह ये है कि वो दूर दूर रहता है जनता से, और उसको मालूम है कि अल्पसंख्यक वोट कहीं नहीं जाएंगे, और उसका कांग्रेस ने ये समझ रखा है कि मुसलमानों के वोट उनके जेब में। हाँ बिल्कुल, यही समझ रखा है, लेकिन वो भेम उसका अब की बार टूट जाएगा, जनता उससे बिल्कुल खफा है, नाराज। इस बार कौन सा प्रत्याशी देख रहे हैं, किसे मजबूत पा रहे हैं आप? मजबूत तो राजेंद्र गुड्डा ही है। पिछले पांच सालों की विकास की बात करें तो कोई विकास कार्य हुए? देखो, विकास कार्य तो कागजों में हुए और जमीनी स्तर पर तो आपको दिख रहा है कुछ का दौड़ा, बाकी सब घास कूड़ा हमारे लिए। मुसलमान 1% भी वोट नहीं मिलेगा उसको।